तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला व्यापार संघ के बैनर तले सोमवार को तंबाकू व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने नगर निगम परिसर में पहुंचकर प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला व्यापार संघ के सचिव मदन जायसवाल ने बताया कि सरकार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू किया जा रहा है। यदि यह लागू होता है तो इससे बड़ी संख्या में व्यापारी प्रभावित होंगे, व्यापारियों की जीविका प्रभावित होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला व्यापार संघ के सचिव मदन जायसवाल ने कहा, मदन जायसवाल पान विक्रेता, पान बीड़ी सिगरेट विक्रेता संघ की तरफ से हैं। किन संदर्भ में आप लोगों ने ज्ञापन दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया लाइसेंस प्रणाली लागू किया है, 8 जून को ही आया था अखबारों में और टीवियों में। इससे हम लोग बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसमें लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो जाएगा और लाइसेंस बनवाने पर सिर्फ जिस चीज़ का लाइसेंस होगा उसी का काम हम कर सकते हैं। सभी दुकानों पर टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह सब बिकता है, कोल्ड ड्रिंक, पानी, वो सब हम लोग नहीं बेच पाएंगे। ये सीधे सीधे जीविका पर जो है उतार घात होगा। उसी के संदर्भ में आए हैं।